जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने हैं और बिल्कुल सही देखे हैं और बिल्कुल सही लिखा हुआ है थंबनेल पे। तो किसी का बाप भी इतना जल्दी बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। आपको मात्र एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप 2 से 5 सेकंड के अंदर में बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। किसी का बाप भी उतना जल्दी बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर पाएगा, आपको बुरा लग सकता है, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। आप लोग छोटे भाई से उसका माफ कर दीजिएगा, लेकिन किसी का बाप भी इतना जल्दी बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकता है। और कैसा ट्रिक है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग से निवेदन है और प्यारी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो कर दीजिए एक लाइक, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चले आना है मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों हर किसी के मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर या अदर ब्राउजर होता ही है, तो आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर कोई ओपन कर लेना है। तो जाहिर सी मैं क्रोम ब्राउजर ही ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। और क्रोम ब्राउजर ओपन करने पर आपको यहाँ सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर सर्च करना है बैकग्राउंड रिमूव, ठीक है। लिख कर आपको यहां से आपको सर्च कर देना है, ठीक है। सर्च करने के बाद दोस्तों एक नया पेज ओपन होगा, और नया पेज ओपन होते ही एक आपको वेबसाइट मिलेगा जिसका नाम होगा रिमूव बीजी, आपको इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा, और नया पेज होने पर आपको यहां इंटरफेस देख सकते हैं, इस तरह का आपको ये पेज आपको दिख रहा होगा। तो अब इससे आप बैकग्राउंड कैसे इरेज कर सकते हैं सिर्फ कुछ ही सेकंड में। कितना हो आपका बैकग्राउंड हार्ड हो या फोटो क्वालिटी अच्छा हो या ख़राब हो, लेकिन यह आपको 2 से 5 सेकंड के अंदर में आपका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते दे सकता है। तो डायरेक्ट आपको जो यहाँ दिख रहा होगा अपलोड इमेज, आपको अपलोड इमेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और अपलोड इमेज पे क्लिक करते ही आपको लेकर चले आएगा अपने पिक्चर प्रोफाइल में। तो डायरेक्ट आपको जो भी फोटो का बैकग्राउंड इरेज करना है उस फोटो को आपको इसमें इंपोर्ट कर लेना है। तो जाहिर सी मैं आपको इसमें फोटो इंपोर्ट करके दिखला दे रहा हूँ, जो फोटो आप डिस्प्ले पे थंबनेल पे देखें उसी फोटो को मैं रिमूव करके बतलाऊंगा, और भी फोटो कहिएगा तो बता दे रहा हूँ। तो पहले मैं उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और सेलेक्ट करने के पर आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो कुछ सेकेंड आपको वेट कर लेना है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं कुछ सेकेंड क्या 1 से 2 सेकेंड लगा है और बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। डाउनलोड करने के लिए आपको फोटो पे कुछ देर के लिए प्रेस करके रखना है, और प्रेस करके रखने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा डाउनलोड इमेज, आपको डाउनलोड इमेज पे क्लिक करके फोटो को आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब दूसरा फोटो अगर आपको इरेज करना है तो आपको यहाँ जो दिख रहा होगा अपलोड का ऑप्शन, आप लोग अपलोड पर क्लिक कर दीजिएगा और उस फोटो को आपको फिर से इसमें इंपोर्ट कर लेना है। चलिए मैं आपको दिखला दे रहा हूँ, मैं एक और फोटो इसमें आपको इंपोर्ट करके दिखला दे रहा हूँ। जैसा कि मैं फोटो इसमें इंपोर्ट कर लिया है, कुछ सेकंड आपको वेट कर लेना है। देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड बतला दे रहा हूँ ना, किसी का बाप भी इतना जल्दी बैकग्राउंड रिमूव नहीं बतलाएगा, क्योंकि ये क्रोम ब्राउजर ही है जो इस तरह के कर सकता है, और कोई भी ऐप मैंने नहीं देखा है अभी तक फिलहाल, कहीं भविष्य में आ सकता है, लेकिन अभी तक जो है ये अच्छा है। तो सबसे पहले इसको भी आपको इस पर क्लिक करके रखना है, और आप डाउनलोड पर क्लिक करके फोटो को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद है, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले आपको पहुँचे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, नेट टॉपिक के साथ। लव यू, टेक केयर, ओके, बाय बाय।